वक्त आने वाला है और दरवा का रिजल्ट खराब रहेगा, इसको परीक्षा देने दो। तो इसलिए जाते थे और फिर ला कर के परीक्षा होती। तो जैसे वो हुआ वैसे गिरफ्तार कर जाएंगे। फिर वो किताब मैंने एक दी, वो जो सरदार बने पंजाब में। सुंदरलाल भगुना जी कौन है, बहुत से लोग उनको जानते हैं लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। सुंदरलाल भगुना जी ने 1970s में एक एनवायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट सबसे ज़्यादा सक्सेस पेड़ काटते थे, तो उन लोगों ने पूरे 42 आवर्स तक ये लोग पेड़ से चिपक कर खड़े रहे थे। और उसके बाद ये मूवमेंट पूरा 1970s से 1980s तक चलता रहा। में जब टीरी डैम बन रहा था तो टीरी डैम के टाइम पे इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था एंटी टीरी डैम, जिससे कि टीरी जो गांव था, जो टीरी विलेज था, वो पूरा ख़त्म होने वाला था। और टीरी के लोगों को शिफ्ट कर रहे थे दूसरी तरफ, लेकिन लोगों की खेती और सब चीज़ों की वजह से इन्होंने ये शुरू करा कि हम लोगों को कम से कम ऐसी जगह थे जहाँ पर हम लोगों के परिवार पल सके। तो अभी इनकी 91 ईयर्स है, शायद मैं इसे बात करूं लेकिन आप लोगों को ना दिखा पाऊं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा आपको कुछ दिखाने का। तो अभी मैं चले चलते हैं। हिमालयस फ्रॉम डिजास्टर टू सर्वाइवल, हिमालयस वो जो था टीरी डैम वाला जो आंदोलन था पूरा, हिमालयस सोयल वाटर एंड प्योर एयर, सुंदरलाल बहुगुणा। तो मैं बता देता हूँ सुंदरलाल बहुगुणा ये गुरुजी हैं। बहुत लोग इनके बारे में जानते हैं। 1970s में एक आंदोलन हुआ था, वो था चिपको मूवमेंट, और उसके जो फर्स्ट लीडर थे वो सर थे, और जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट था। और 1980s में जब टीरी डैम बनने की बात आई थी, तो टीरी गांव को खाली करना चाहते थे कि इन लोगों को ऐसी जगह मिले जहां पर इन लोग अपना रहने के साथ अपना परिवार पाल सकें, अपना रोटी का इंतज़ाम कर सकें। तो सर ने उन लोगों की बहुत मदद करी, तो उनके ऊपर एक बुक भी लिखी थी जो जेम्स ने, जो कि प्रोफेसर हैं, साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं टेक्सास यूनिवर्सिटी में। यूएसए से सिर्फ सर से मिलने आए थे। सर के 3 A है, 3 A, सर 3 A बता दीजिए। 3 A, 3 austerity, दूसरा अल्टरनेटिव्स, जिन चीज़ों के बिना काम न चले उनके अल्टरनेटिव ढूंढना। अब तीसरा है एफॉरेस्टेशन, यानी वृक्षों की खेती, भविष्य की जो खेती है वो वृक्षों की होगी। तो दो कारण है, पहला तो ये है कि हमने मिट्टी को नशेबाज बना दिया रासायनिक खादों से, और कुछ समय में धूल के आंधियां चलने लगी, क्योंकि रासायनिक खादें मिट्टी के कणों की जो नमी है उसको चाट जाती है, धूल बना देती है। तो वृक्ष खेती मनुष्य को बचा सकती है, ट्री फार्मिंग। तो ट्री जो है तीनों चीज़ें एक साथ देते हैं। पहले तो ऑक्सीजन, आज हम सब बातों के लिए कर रहे हैं कोशिश, लेकिन ऑक्सीजन गायब हो रही है।
प्रदूषण बढ़ रहा है, दूसरा फूड ट्रीज देते हैं और खाली जगह पर देते हैं। आज जो रासायनिक खादों से मिट्टी को नशेबाज बना दिया, कुछ समय में धूल के कण उड़ने लगेंगे। तो वृक्षों की खेती में मिट्टी को बचाने का काम है और तीसरे पानी का संरक्षण करते हैं वृक्ष। वृक्ष बादलों को आकर्षित करते हैं, वर्षा लाते हैं और अपनी जड़ों में पानी को संचित करते हैं। ये तीन वृक्षों की खास देने हैं मनुष्य के जीवन के लिए। ये तीनों चीज़ें जरूरी, ऑक्सीजन, वाटर और फूड। सर जो आपके ऊपर वो मूवी बनाई गई थी, मूवी जो आपके ऊपर पिक्चर बनाई गई थी, एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर, ये तो बीबीसी ने बनाई है, इको मूवमेंट पर, द एक्सिस ऑफ हिमालया, दिल्ली में मिल जाएगी बीबी। बाकी मैं कभी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी आप देहरादून आए तो सर से जरूर मिलिए, जो असली महात्मा जिनको संत कहा जाता है वो सर हैं। नहीं भाई, संत संत के पास मतलब बैठ करके मतलब जो एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, मतलब वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। सर मतलब अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करे, लेकिन सर आज यहाँ पे हैं और मेरे को दिल से खुशी हुई कि मतलब ऐसे महान लोग आज भी हैं। गांधी जी वैसी पूरी जिंदगी अपनी एक धोती कुर्ता में रहे, सर बिल्कुल गांधी जी की तरह। गांधी जी को नहीं देख पाया लेकिन एक उनके मतलब उनके मानने वाले शिष्य को मैं आज देख रहा हूँ, तो बिल्कुल आज दिल से खुशी हो रही है।